गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम डिस्कसिंग हियर अबाउट 12th बायोलॉजी चैप्टर सेकंड, पुष्पी पादपों में पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण सभी मालूम है सबको कि 2N अवस्था यानी द्विगुणित अवस्था से पुनः अगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, या यूं कह सकते हैं रिपीटिशन ऑफ हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। जो कुछ प्राणी होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं, उनकी कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम होता है उसे हम 2N या डिप्लॉइड कहते हैं, अर्थात जो आवृतबीजी पौधा होता है उसे हम वो 2N या स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है। और कुछ पौधे आपको बताया गया कुछ एक लिंगी होते हैं, कुछ द्विलिंगी होते हैं, तो द्विलिंगी पौधों में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। नर जनन अंग को स्टेमेन या कॉम्पेसर कहते हैं और मादा जनन अंग को गायनीशियम या जायांग कहते हैं। अब फीमेल डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बताया गया है। तो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि ओव्यूल में जो कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन या बीजांड में जो कोशिका है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार कोशिकाओं में बनती है, ये आपको बताया गया, और यह अवस्था में पहुंचती है। ये एम्ब्रियो सैक का विकास होता है, इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और स्टेमेन में परागकण यानी पराग कोष में परागकण भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बन जाते हैं और ये भी इनकी अवस्था भी यन होती है। परागण क्रिया के बाद और फर्टिलाइजेशन के बाद कुस्पोर का निर्माण होता है, कुस्पोर का निर्माण होता है। अब ये अवस्था 2N यानी द्विगुणित होती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो कैलिक्स होता है या तो टूट करके सूख करके गिर जाता है, करोला भी सूख करके गिर जाता है, तो इसमें बीजांड पाया जाता है वो बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो ओवरी पाई जाती है वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद पूर्ण अवस्था कुस्पोर की अवस्था है जिसे हम जायगोट कहते हैं। जायगोट में आपको इम्ब्रियो जो है इम्ब्रियो का विकास पढ़ाया गया है। कुछ देर डिटेनिंग के बाद इम्ब्रियो डेवलपमेंट करना प्रारंभ करता है और डेवलपमेंट के फलस्वरूप सीड यानी ओव्यूल में ही इम्ब्रियो का विकास होता है। इम्ब्रियो के विकास के फलस्वरूप वो पौधा वो सीड पक जाने के बाद कहीं ग्रो करने पर नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं पुष्पी पादपों में पीढ़ी एकांतरण या पुष्पी पादपों का जीवन चक्र द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था से पुनः द्विगुणित अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। इसी को हम पीढ़ी एकांतरण या पुष्पी पादपों का जीवन चक्र कह सकते हैं। सभी प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल को दोहराते हैं। जो बड़े उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं या पादप होते हैं वो स्पोरोफिटिक होते हैं, यानी उनकी कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 2N पाई जाती है। इस तरह से 2N से यानी यन अवस्था यानी द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था से फर्टिलाइजेशन के बाद पुनः द्विगुणित अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कह सकते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एंजियोस्पर्म में की लाइफ साइकिल के रूप में आ सकता है या पीढ़ी एकांतरण के रूप में आ सकता है, आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास के बारे में आ सकता है। तो आज ये चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन एकदम कंप्लीट होता है। इसको पढ़ करके नोट्स बना सकते हैं। इतना तो क्लियर है कि
विद्यालय खुलने में अभी देर है और जो पढ़ाया जा रहा है वो पुनः पढ़ाया जाना असंभव है। धन्यवाद।